राधे राधे मित्रों, आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं एक ऐसा अद्भुत चमत्कारिक मंत्र जिसका जाप करने से जीवन की सभी समस्याओं का समाधान खुद ब खुद हो जाता है। दोस्तों, इसे मंत्र राज कहा जाता है और मंत्र राज की जानकारी देने से पहले हम आपको सुनाएंगे एक छोटी सी कथा। कथा कुछ इस प्रकार है। लंका में जीतने के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम एक बार देवर्षि नारद, विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि ऋषि मुनियों के साथ बैठे हुए थे। उस समय नारद जी ने ऋषियों से कहा कि ये बताइए, नाम और नामी में श्रेष्ठ कौन है, मतलब भगवान का नाम श्रेष्ठ है या स्वयं भगवान। इस पर सभी ऋषि मुनियों में विवाद होने लगा, लेकिन कोई भी इस प्रश्न का सही निर्णय नहीं कर पाए। तब नारद जी ने कहा, निश्चय ही भगवान का नाम श्रेष्ठ है और इसको सिद्ध भी किया जा सकता है। अब इस बात को सिद्ध करने के लिए नारद जी को एक युक्ति सूझी। उन्होंने हनुमान जी से कहा, आप दरबार में जाकर के सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम कीजिए, लेकिन विश्वामित्र जी को प्रणाम मत कीजिएगा, क्योंकि वे राजर्षि हैं, यानी राजा से ऋषि बने हैं, इसीलिए वे अन्य ऋषियों के समान सम्मान के योग्य नहीं हैं। हनुमान जी ने दरबार में जाकर के नारद जी के द्वारा बताए हुए कथन के अनुसार ही किया। विश्वामित्र जी हनुमान जी के इस व्यवहार से बहुत क्रोधित हुए। तब नारद जी ने विश्वामित्र जी के पास जाकर कहा, अरे ये हनुमान कितने उद्दंड और घमंडी हो गए हैं, आपको छोड़कर के इन्होंने सभी को प्रणाम किया। ये सुनकर के विश्वामित्र जी आग बबूला हो गए और श्री राम जी के पास आकर बोले, तुम्हारे सेवक हनुमान ने सभी ऋषियों के सामने मेरा घोर अपमान किया है, अतः कल सूर्यास्त से पहले उसे तुम्हारे हाथों मृत्युदंड मिलना चाहिए। विश्वामित्र जी श्री राम जी के गुरु थे, अतः श्री राम जी को उनकी आज्ञा का पालन करना ही था। श्री राम हनुमान को कल मृत्युदंड देंगे, ये बात सारे नगर में आग की तरफ फैल गई। हनुमान जी नारद जी के पास जाकर बोले, देवर्षि मेरी रक्षा कीजिए, प्रभु कल मेरा वध कर देंगे, मैंने आपके कहने से ही सब कुछ किया। नारद जी ने हनुमान जी से कहा, तुम निराश मत हो, मैं जैसा बताऊं वैसे ही करना। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के सरयू नदी में स्नान कीजिए और फिर नदी तट पर खड़े होकर के श्री राम, जय राम इस मंत्र का जप करते रहना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दूसरे दिन प्रातः काल हनुमान जी की कठिन परीक्षा को देखने के लिए अयोध्या वासियों की भीड़ वहाँ पर जमा हो गयी। हनुमान जी सूर्योदय से पहले ही सरयू नदी में स्नान करके बालुका तट पर हाथ जोड़ करके जोर जोर से श्री राम, जय राम का जप करने लगे। भगवान श्री राम हनुमान जी से थोड़ी दूर पर खड़े होकर के अपने प्रिय सेवक पर अनिच्छा पूर्वक बाणों की बौछार करने लगे। पूरे दिन श्री राम बाणों की वर्षा करते रहे, तब हनुमान जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। अंत में श्री राम ने ब्रह्मास्त्र उठाया। हनुमान जी पूरे आत्मसमर्पण के साथ जोर जोर से मुस्कुराते हुए श्री राम, जय राम का जप करते रहे। सभी लोग आश्चर्य में डूब गए। तब नारद जी विश्वामित्र जी के पास जाकर बोले, मुने आप अपने क्रोध को समाप्त कीजिए, श्री राम थक चुके हैं, उन्हें हनुमान जी के वध की गुरु आज्ञा से मुक्त कीजिए। आपने श्री राम के नाम की महत्ता को तो प्रत्यक्ष देख ही लिया है, विभिन्न प्रकार के बाण भी हनुमान का कुछ नहीं बिगाड़ सके, अब आप श्री राम को हनुमान को ब्रह्मास्त्र से ना मारने की आज्ञा दें। विश्वामित्र जी ने वैसे ही किया। हनुमान जी आकर श्री राम के चरणों में गिर पड़े। विश्वामित्र जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद देकर उनकी श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति की प्रशंसा की। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ये कहा है कि राम नाम राम से भी बड़ा है, क्योंकि भगवान राम ने तो अहिल्या को तारा था, लेकिन राम नाम के जप ने करोड़ों दुर्जनों की बुद्धि को सुधार दिया है। तो दोस्तों, अब तक आपने उस महामंत्र का अंदाजा तो लगा ही लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, वो महामंत्र वही है जिसने हनुमान जी की संकट से रक्षा की। वो महामंत्र है श्री राम, जय राम। दोस्तों, ये मंत्र राज भी कहलाता है और ये उच्चारण करने में जितना सरल है, ये बंधनों से भी उतना ही मुक्त है। यानी इसका देश काल पात्र से जुड़ा हुआ कोई भी बंधन नहीं है, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी समय कहीं पर भी इस मंत्र का जाप कर सकता है।
इस मंत्र को विजय मंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि सतगुण के रूप में निष्काम भाव से इस मंत्र का जप करके साधक अपनी इंद्रियों पर जहां एक ओर विजय प्राप्त कर सकता है, वहीं दूसरी ओर रजोगुण के रूप में यानी कामना पूर्ति के लिए इस महामंत्र के जप से मनुष्य के जीवन की दरिद्रता, दुख और सभी आपत्तियों पर विजय प्राप्त होती है। वहीं पर तमोगुण के रूप में शत्रु बाधा, मुकदमे में जीत आदि के लिए इस मंत्र का जप साधक को संसार में विजयी बनाता है और अपने विजय मंत्र नाम को सार्थक करता है। जो सच्चा साधक होता है, गुणातीत जिसे गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया है, को ये विजय मंत्र परम ब्रह्म परमात्मा का दर्शन कराता है। इसी विजय मंत्र के कारण बजरंगबली हनुमान को श्री राम का सानिध्य और कृपा मिली और समर्थ गुरु रामदास जी ने इस मंत्र का 13 करोड़ जप किया और भगवान श्री राम ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। इस मंत्र में 13 अक्षर हैं और 13 लाख जप का एक पुरस्चरण माना जाता है। इस मंत्र का जप कर सकते हैं और कीर्तन के रूप में भी आप इसे गा सकते हैं। इस मंत्र को सच्ची श्रद्धा से जीवन में उतारने पर साधक के जीवन का सहारा, रक्षक और सच्चा पथ प्रदर्शक भी ये मंत्र बन जाता है। तो यही है वो महामंत्र, वो अद्भुत, वो चमत्कारिक मंत्र जिसका जप हमें करना चाहिए। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमो नारायण।